गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिखा वर्मा। और इसके पहले का जो सेशन था वो लिक्विड डिटर्जेंट के क्वांटिटी का कंपेयर करने का था। और जैसा कि मैंने आप लोगों से हर बार कहा है कि हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल हैं, तो आज उस नेचुरल का थोड़ा सा आप लोगों को जो प्रूफ है वो मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दो टेस्ट करके दिखाऊँगी कि हमारे प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है वो किस तरीके से है, और दोनों प्रोडक्ट के जो कंपैरिजन है उसको देख करके आपको डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर योर लाइफ। क्यों मैं इसकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, तो एक रीज़न मैंने आपको उस दिन प्राइस कंपेयर करके बताया था, आज क्वालिटी कंपेयर करके मैं बताती हूँ। इसमें मैं आपको दो टेस्ट लूँगी, इसमें मैंने ये तीन मग्स रखे हुए हैं और इनमें मैं अलग अलग टेस्ट आपको दो लेयर में करके दिखाऊंगी। पहला टेस्ट हम करते हैं, पहले हम इसमें पानी भरते हैं इक्वल, जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों में इक्वल इक्वल पानी भरा हुआ। ये मक्स मैं अभी हटा देती हूँ साइड में, क्योंकि बाद में टेस्ट करेंगे। इस तरह से तीनों में इक्वल इक्वल अमाउंट का ही पानी है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि हल्दी, क्योंकि नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, कभी भी हमारे कपड़ों में अगर हल्दी का दाग लग जाता है तो जैसे ही हम अपने कपड़ों पे सर्फ को डालते हैं तो वो कुछ डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। तो मैंने ये हल्दी एज ए इंडिकेटर जो आपको ये बताती है कि एसिड में इसका क्या कलर होता है और अल्कलाइज में इसका क्या कलर होता है, मैं इसे एज अ इंडिकेटर ले रही हूँ। और तीनों पानी में इक्वल अमाउंट में मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपने दो ब्रांड प्रोडक्ट्स को लूँगी। ये एक मेरा प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी एक ब्रांड प्रोडक्ट है जिसे मैं पहले यूज़ करती थी। इसका असर इसमें हम देखेंगे। इसको अभी हम यहाँ रखते हैं, हम एक साथ ही तीनों डालेंगे कि आपको क्वांटिटी का भी अंदाज़ा मिले कि हम किसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। और ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, की भी क्वांटिटी मैं यहाँ रख रही हूँ। और अभी मैं आपको अपना एटमी का लिक्विड डिटर्जेंट ये भी क्वांटिटी आपके सामने मैंने रख दी है। अब हम एक एक करके तीनों की क्वांटिटी को उस हल्दी के पानी में डालेंगे और कलर जो चेंज होगा वो आप खुद फील करेंगे क्या फ़र्क आ रहा है। मैंने एक में डाला, दूसरे का भी, और ये एटमी का लिक्विड डिटर्जेंट। फ्रेंड्स, मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत शायद नहीं है, अब ये कलर चेंजेस ही बता रहे हैं कि किस में कितना केमिकल है। लिक्विड डिटर्जेंट का अमाउंट अगर मैं ज़्यादा भी डालूं तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी थी सबकी सिमिलर थी। ये मैंने अपना पहला ब्रांड प्रोडक्ट डाला था, तब आप हल्दी का कलर देखिए। ये मैंने दूसरा वाला डाला था, तब आप हल्दी का कलर देखिए। और ये एटमी का लिक्विड डिटर्जेंट मैंने डाला था, तब देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी क्वांटिटी कम थी तो मैं आपके सामने इसमें एडिशन क्वांटिटी भी डाल रही हूँ, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब शायद मुझे कुछ भी यहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग अश्योर्ड हैं कि ये आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचा रहे, क्योंकि टोटली प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स है इसमें, तो एक जो एग्जामिनेशन था वो मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं आपको दूसरा टेस्ट साइड टू साइड करके दिखाती हूँ।
ये मैंने अपना दूसरा लेयर डाला। सेम काम हम करेंगे, अपना इक्वल अमाउंट में पानी लेंगे। अनकट वीडियो है, कोई एडिशन नहीं है, सब आपके सामने हो रहा है जितना चीज है। इक्वल अमाउंट में मैंने पानी ले लिया। अब यहाँ पे ये मैं बेटाडीन का सॉल्यूशन तीनों में इक्वली डालूंगी, जस्ट फॉर ट्राई एक्सपेरिमेंट कि आपको इसमें भी ये फर्क दिखेगा। ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। एक ढक्कन मैंने पहले में डाला, एक ही ढक्कन मैं दूसरे में भी डाल रही हूँ, और एक ढक्कन ही ये मैं तीसरे में भी डाल रही हूँ। अब एज यूजुअल हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी डालते हैं। ये एक चम्मच मैंने आपके सामने रख दिया है। ये मैंने दूसरा आपके सामने रख दिया है। और अब मैं अपने एटमी के लिक्विड डिटर्जेंट की बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी रखूंगी, सिर्फ इतना, जो हमारे बाकी दो चम्मच के कंपेयर में बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं अब इसका बेटाडीन सॉल्यूशन पे क्या असर पड़ता है और फर्क आपके सामने होगा। 1 2 3 गो। Your second. जो चेंजेस आएंगे फ्रेंड्स वो आपके सामने, क्योंकि मैं आपके सामने इसको लाइव कर रही हूँ। और ये है हमारा एटमी का लिक्विड डिटर्जेंट। चलाते ही रहते क्योंकि पार्टिकल्स हैं, इनको डिसॉल्व होने में भी समय लगेगा। तो हम 2 मिनट इसको स्टेयर करके फिर आपको फर्क दिखाते हैं कि क्या अंतर पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके कलर में, पहले इसका सॉल्यूशन कैसा था, इसमें ये सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, और एट द सेम टाइम ये सॉल्यूशन। किसमें कितना केमिकल है आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन का ट्रांसपेरेंसी आप देखिए, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है। इसका कलर और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप देखिए क्या है, और एट द सेम टाइम इसकी ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं। आपको आर पार स्पून भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फर्क सामने है,
कि हमारा लिक्विड डिटर्जेंट किस तरीके से बेहतर कारगर काम कर रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब और कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करके देखने की ज़रूरत है। बाकी का ट्रायल अगर आप खुद अपने घर पर करते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको दिखेगा। और ये भी है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को 1 घंटे तक छोड़ दूं तो ये सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जस्ट एक शॉर्ट ट्रांसपेरेंसी वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये हमारा एटमी लिक्विड डिटर्जेंट का है, ये हमारा एक ब्रांड प्रोडक्ट है और ये हमारा एक दूसरा ब्रांड प्रोडक्ट है। तो फ़र्क सामने है, आप देख सकते हैं।